अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अबुल हसन का भी बुखार काफ़ी तेज़ हो रहा है और इसको मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर को मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इसका बुखार उतर जाता है और फिर चढ़ जाता है। तो आजकल डेंगू वायरस भी फैला हुआ है, तो इस वजह से मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ ताकि वहाँ सही से पता चल जाए। तो बस अबुल हसन को मैं लेकर गई थी, तो सुबह हम गए थे और मेरे हस्बैंड साथ गए थे। फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और मैं शाम को फिर आई थी रिक्शे में। तो इसके टेस्ट वगैरह हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट मलेरिया का इसका साफ था, और डॉक्टरों ने वहाँ पे भी इसको दवाइयाँ पिलाई थी, तो इसका बुखार उतर गया था फिर। तो आजकल डेंगू वायरस भी फैला है, क्योंकि मच्छर काफ़ी ज़्यादा है और बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं। और जब मैं हॉस्पिटल से आई तो बच्चों के लिए मास्क लेकर आई थी, वो बहुत खुश हो गए मास्क लेकर के। और मेहानी को भी बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था, तो फिर इसको मैं यहाँ लेकर गई। तो कल का पूरा दिन जो है मेरा हॉस्पिटल में गुजरा, और अभी जो है अबुल हसन काफ़ी बेहतर है। अभी मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, तो मैं रात से ही कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि कभी लाइट का पता नहीं चलता। लाइट आजकल जो है कभी किस टाइम जाने लगी है, कभी किस टाइम जाने लगी है, तो इस वजह से जिस वक्त लाइट होती है उसी वक्त मैं प्रेस करके एक सूट उठा रख लेती हूँ। फायजा भी ने पढ़ाया था, सिदराबाजी नहीं थी। और आज मैंने माश की दाल बनाई थी, तो बस अभी रोटियां बना लूंगी, बाकी सारा काम हो चुका है। और इस दाल के साथ मैं तली हुई मिर्चें लाजमी बनाती हूँ, लेकिन आज नहीं बनाई, सबको नज़ला हो रहा था इसे। और बच्चों के लिए मैंने खिचड़ी बना ली थी, तो खिचड़ी भी बच गई थी, फिर उसको मैंने दाल डाल के खिचड़ी खा ली थी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।